क्योंकि अल्लू अर्जुन भी रिसेंटली नंगे पैर ही दिखाई दिए एक दो इवेंट के अंदर, और सेम रीजन के लिए अयप्पा स्वामी का व्रत रखते हैं और ये लोग 41 दिन तक ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, चप्पल वगैरह नहीं पहनते, नंगे पैर ही ट्रैवल करते हैं जहां भी जाना होता है। बीते दिन बॉलीवुड के काफी एक्टर ने एक स्टेटमेंट पास की थी, जो रामचरण है वो इस वक्त नंगे पैर इसलिए चल रहे क्योंकि भाई ये निंजा टेक्निक हो सकती है आरआर की टिकट बेचने के लिए। देखिए मूवी ऑलरेडी 1000 करोड़ क्लब में जा चुकी है और कोई जरूरत भी नहीं है, अगर निंजा टेक्निक होती तो आरआर की पूरी कास्ट पहले दिन से ही नंगे पैर आ जाती, अब यहाँ करने का क्या मतलब बनता है। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, ये लोग आलतू फालतू बक रहे अल्लू अर्जुन को लेकर, क्योंकि अल्लू अर्जुन भी रिसेंटली नंगे पैर ही दिखाई दिए एक दो इवेंट के अंदर, और सेम रीजन के लिए अयप्पा स्वामी का व्रत रखते हैं और ये लोग 41 दिन तक ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, चप्पल वगैरह नहीं पहनते, नंगे पैर ट्रैवल करते हैं जहां भी जाना होता है। लेकिन ये बात इन लोग कौन समझाए, क्या बताएं इनको। यहां पर तो तुमने बोल दिया कि भैया निंजा टेक्निक के आरआर के टिकट बेचने के लिए, तो क्या अब अल्लू अर्जुन पुष्पा के टिकट बेचने के लिए नंगे पैर घूम रहे, और वो किस चीज का प्रमोशन कर रहे, अपना खुद का पैर को गर्मी में जमीन पर जलाकर। देखिए मैं आपको बता दूं, अपने रूट के साथ जुड़े रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ये लोग नहीं समझते इस बात को लेके। लेकिन जो दूसरा जो अपने पैन इंडिया सुपरस्टार है, स्पेशली मैं कहूंगा जो साउथ का सुपरस्टार है, दे आर बहुत प्योर है, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहते, रूट के साथ जुड़े रहते, यह चीज आप उनके मूवी में देख सकते हैं, यह चीज आप उनकी ऐसी वीडियो आती है, इंटरव्यू आती है, उसमें भी देख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा अलग है। और जितने भी लोगों ने रिएक्शन दिया है अल्लू अर्जुन फ्लो इन रामचरण ट्रेंड, अरे भाई ये कोई रामचरण का ट्रेंड नहीं है नंगे पैर चलने का, ये एक मंदिर है, एक आस्था है, एक पूजा है, उसी चीज को ये सारे लोग फॉलो करते हैं। अब पता नहीं बॉलीवुड वालों के कब दिमाग में ये बात आएगा, ये हमारा कल्चर है और ये प्रोसेस साल में एक बार ये लोग हरदम करते, पिछले साल भी किए थे, उसके पिछले साल भी किए थे। और भाई जितने भी लोग बोल रहे अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार का नया स्टाइल है, तो भाई अपने सादगी में रहना, अपने रूट्स के साथ रहना, अपने कल्चर को रेस्पेक्ट करना खुद में एक बेहतरीन स्टाइल है जो ये बंदा फॉलो करता है। अगर आपके बस की बात है तो आप भी कर लो ना, क्या ये फालतू का स्टेटमेंट पास करते रहते हो, आई डोंट थिंक ये लोग सुधरने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।